नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको डीएलएड और सुपर टेट हेतु कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का समावेश कर रहे हैं, जो इसमें से 10 क्वेश्चन सुपर टेट में आ चुके हैं, उनका रिवीजन भी करवा रहे हैं और लगभग 25 क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। सुनिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो पहला ऑप्शन है सीडैक, आईआईटी कानपुर, बार्क और इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, सीडैक ने। सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक कौन है? तो इसके ऑप्शन है बिल गेट्स, ब्रोगिल, टिम बर्नर्स-ली, रोजन बिल। तो इसका ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। तीसरा क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इसके चारों विकल्प आप देखिए, इसका चौथा विकल्प सही है टॉम लिंसन। चौथा क्वेश्चन है किस प्रोग्राम में बग का, किसी प्रोग्राम में बग का क्या अर्थ होता है? बग मतलब क्या होता है, किसी में एरर आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो इसी को हम बग या वायरस कहते हैं, एरर भी कहते हैं। तो इसमें एरर आ जाता है तो ये बग का अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुनिए और नोट जरूर बनाइए और भेजिए जरूर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ये तो आपको बहुत ही आता होगा, ये सीपीयू कहलाता है, ठीक है ना। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर की आत्मा किसे कहते हैं, ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन, ये देखो, ये सुपर टेट में क्वेश्चन आ चुका है आपसे, तो ये होम पेज कहलाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो भौतिक बनावट जो है बाहर से जो हम जिसको हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, तो ये हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल से प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब ईमेल से कोई फाइल हम अटैच करते हैं तो उसे हम अटैचमेंट कहते हैं, तो अटैचमेंट कहलाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थाई मेमोरी है? तो आप मोबाइल सभी लोग चलाते हैं तो रैम रोम जानते हैं, तो रैम क्या होती है, अस्थाई होती है, रोम जो है स्थाई मेमोरी कहलाती है। रैम और रोम आता है आपका कितने जीबी का है, ठीक है ना, तो रोम जो है स्थाई है, रैम अस्थाई। नेक्स्ट है आईसी चिपों का निर्माण होता है, कल आपको बताया था आईसी चिप्स जो है सबसे पहले जर्मेनियम की बनी थी, उसके बाद सिलिकॉन की बनी थी, तो सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ गया, तो ये सेमीकंडक्टर कहलाता है। और सिलिकॉन वैली कल हमने बेंगलुरु बताया था, तो बेंगलुरु किस राज्य में है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों आते हैं, ठीक है ना, तो पॉल एलन को संस्थापक भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी वो फोर्ट्रॉन कहलाती है, फोर्ट्रॉन पहली भाषा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी का आपको कल बताया था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, थर्ड पीढ़ी में जो है आईसी का प्रयोग किया जाता था, फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आप लोग उनको भी रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसन सर्विस है, जिसे TCS बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में जो सबसे पहले भारत में बनाया गया था वो सिद्धार्थ है। इसी में क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जीटेट में आ चुके हैं, सुपर टेट में। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, बहुत ही बहुत जरूरी है। तो सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहा जाता है, ध्यान रखना, ईमेल को नहीं कहा जाता, ना पेजर को, ना ब्राउजर को, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। गूगल क्या है, गूगल के चारों ऑप्शन आप लोग, ऑप्शन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, और सारे सर्च इंजन है वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने में किया जाता है। तो आप सभी लोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, OMR शीट बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं उसे, ठीक है। अब ये पांच क्वेश्चन और हैं, ये आपको जो है फुल फॉर्म लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आते हैं इसलिए क्वेश्चन में नहीं दिए हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंस है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे PDF का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म क्या है, RAM का फुल फॉर्म क्या है, ROM का फुल फॉर्म क्या है, और CPU का हमने आपको बता दिया। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है, ये पांच छह क्वेश्चन आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तो ये आपको लगभग 25 क्वेश्चन का रिवीजन कराया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए। और सीटेट सुपर टेट में आपको पूरे 5 क्वेश्चन सही करना है, हमारी ये प्रयास रहेगा। आपको हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।